नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। गांव भिक्कावाला में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में क्षेत्रीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की वीरांगनाओं व उनके आश्रितों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। छोटे बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम प्रस्तुत कर आगंतुकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में क्षेत्र के भूतपूर्व सैनिकों व उनके परिवारों के सैकड़ों सदस्यों ने भाग लिया। गाँव मीरपुर निवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पौत्र कनिष्क नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके व क्षेत्र की युवा शक्ति के माध्यम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा सिंगापुर में 21 अक्टूबर सन 1943 को भारत का प्रथम आजादी दिवस घोषित किए जाने के उपलक्ष में भूतपूर्व सैनिकों व स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कैप्टन भूपेंद्र सिंह रावत ने व संचालन कनिष्क नेगी ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूरन सिंह सवाल, कुंवर सिंह कठेत, आनंद सिंह रावत रहे। कार्यक्रम में छोटे बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। तदोपरांत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की वीरांगनाओं विशाल देवी व गणेश देवी सहित अन्य सेनानियों के परिजनों को शॉल व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम में भूतपूर्व सैनिकों ने अपने विचार व्यक्त कर क्षेत्र के युवाओं से देश के लिए मर मिटने का आह्वान किया। कार्यक्रम में गाँव विजयनगर, कादराबाद, मीरापुर, कल्लूवाला आदि के सैनिक परिवारों ने भाग लिया। कादराबाद से संगम चौहान की रिपोर्ट। मेरा नाम कनिष्क सिंह नेगी है और मैं ग्राम मीरापुर का निवासी हूं। और आज जो हमारा कार्यक्रम था, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 में आज ही के दिन हमारे देश को आज़ाद घोषित किया था और आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया था। तो आज का कार्यक्रम उसी उपलक्ष्य में था, जिसमें हमने जो भी वीर नारियाँ हैं, जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे बीच रहे हैं, वो जो माताएँ हैं, उनको हमने यहाँ पे शॉल और पुष्पमाला अर्पित करके उनका सम्मान किया। और जितने भी आश्रित परिवार थे उनका हमने पुष्पमाला से यहाँ पर सम्मान किया। और आगे नेताजी के याद में या इन जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे क्षेत्र के रहे हैं, उनके नाम को अमर करने के लिए जो जो हमसे प्रयास करें हो सकेंगे, हमारा संगठन उसके लिए प्रयासरत रहेगा।